ने पिंडा दे लोकां लई इक वड्डा ऐलान कीता है। सीएम मान दे वल्लों फैसला लिया गया है कि मनरेगा योजना दे तहत पिंड वासी हुण अपने घरां च मुफ्त बायोगैस प्लांट लगवा सकते ने। दस दईए कि मनरेगा लाभपात्रियों नूं बायोगैस प्लांट लगवाउण ते कोई खर्च नहीं करना पवेगा। इस दे लई 38,500 रुपए सरकार खर्च करेगी। सरकार दा मनना है कि पशुआं दे गोबर तो तैयार हुंदी ए बायोगैस दे नाल लकड़ी मिट्टी तेल ते एलपीजी दे खर्चे तो बचा हो सकता है अते वातावरण भी दूषित नहीं होवेगा। जो इस प्लांट की रहन खूंद हुंदी है वह खेतां च खाद दे तौर ते काम आ सकती है। पिंडा दे लोकां दा कहना है कि उन्होंने पहला ही अपने घरां दे विच बायोगैस प्लांट लगा रखे ने। उन्होंने सरकार दे इस फैसले नूं शलाघायोग दस्सिया। नाल ही उन्होंने कहा है कि असी जो बायोगैस प्लांट लगाए ने उस उत्ते पहला असी अपने कोल पैसे लगाए सन। जेकर सरकार पैसे देवेगी तां हर घर इस दा फायदा लै सकदा है। उन्होंने दस्सिया कि बायोगैस प्लांट नाल मिलन वाली रसोई गैस नाल हर महीने एलपीजी गैस सिलंडर जो कि हुण 1100 रुपए का मिलता है उस तो भी निजात मिल जाती है अते इस दा कोई खतरा भी नहीं हुंदा। इन वीर जी एक साल तो लगाए हो गया जी, तेरा बता लगे सारा खर्चा मेरे चुल्हे तक अंदर तक गैस भेजन तक तो मेरा खर्चा लगा जो पैप पूप पा के बेनीफिट वीर जी मेरे साल के 12 सिलेंडर लग जाएगा 1100 रुपया 25 कुछ सिलेंडर अजकल हो गया मेरे 12 सिलेंडर तो भाई 14-15 हज़ार रुपया बच गया। बाकी जो मेरा गोबर पैंता वा तो मेरा खेत पाँगा यूरिया खाद के काम आता तो बहुत वधिया बेनीफिट है। जे सरकार अजकल बेनीफिट दे रही है इन्ना ज़्यादा चलो सानू तो सेंटर सरकार भरी सबसिडी 12 हज़ार मिलनी पता नहीं मिलनी कि नहीं मिलनी पर जे सरकार कहने 38 कहने मैं देना 30 हज़ार भी दे देने कम से कम दुनिया 50% पंजाब चलो तैयार हो जाएंगे। इस तरह हम फैसला लिया सरकार ने कि जोड़ा भी यह लगाएगा इतने जो भी खर्चा आएगा अभी वो 38,500 रुपया अपने को देवे किस तरह का फैसला लग रहा सरकार का फैसला तो बहुत वाइया पर जो सरकार दे तो अगर इतना वजह फैसला फैसिलिटी भी देती सरकार ने तो कम से कम 100-90% दुनिया पंजाब के लोगों तैयार जिन्होंने जगह हैगी पर जगह अवेलेबल होनी बहुत जरूरी है। ये वास्ते फायदा यदा बहुत है जी क्योंकि वेखो फ्री की गैस है आप गोहा वेस्ट साडा उदा भी वेस्ट आ ये पाने तो गोहा होर वो अच्छी क्वालिटी बन जाती खेतों वास्ते पैलियों वास्ते वधिया क्वालिटी बन जाती है एक इतना यूरिया के बराबर वो पावर हो जाती है तो गैस सानू फ्री च मिलती है। एक बार लाने का सिर्फ यदा खर्चा उच्च सरकार ने सबसिडी दिती तो थोड़े जे पैसे साढ़े अपने लगे हम मान लो सरकार कह रही ने कि हर एक घर लगा चाहिए को जगह हैगी जिन्होंने को अपनी जमीन हैगी हाँ जी हाँ जी तुम किस तरह का लगता है नहीं तो बहुत वधिया चीज़ आ पर जिन्हों को अपने पशु है उन्होंने वास्ते वो लगा सकते जरूरी क्योंकि इन्होंने वास्ते ये गोबर की जरूरत आ साल जी अब तो घट्टो घट 26-27 साल पहले लगा उस समय सरकार ने 2000 रुपये सबसिडी दी तो बाकी 6-7 हज़ार रुपये साढ़े को लगा तो बहुत ही वधिया चलता सिस्टम है दूजी गैस न बचाने खर्चा कोर घट आ घर का गोबर गोहा पै जाना बच्चे तो गैस फ्री दी है जी जिनी कोई रिस्क नहीं है तो रूड़ी दी उस तो बैटर बनती दूजी नालों भी तो बहुत ही वधिया चीज़ लाभबंद चीज़ है जिमदार वास्ते पहले जी दो तीन दो ट्राली पैंती एक भरना पैंता पूरा प्रैशर बनाने वास्ते मुड़के दो अपने लोग 5-4 3-4 बाल्टे काफ़ी है जी हाँ जी वेस्टेज दोबारा रूड़ी काम आती है जी बहुत वधिया उधर दूसरी नूं डबल फायदा जी का कोई नदीन नहीं उगता बच्चे वे कोई मतलब जो दूजे अपने दो ट्राले पाने तो एक ट्राली काफ़ी है हूँ जिस सिलेंडर 12-13 साल सिलेंडर हो चुका ये बिल्कुल 12-24 घंटे हाजिर फ्री गैस है कोई रिस्क नहीं यदा कोई प्रॉब्लम नहीं हम तो कोई प्रॉब्लम अच्छे तक आई नहीं। उत्थे ही घर की रसोई च बायोगैस इस्तेमाल करने वाली औरतों का कहना है कि इस गैस के बहुत फायदे ने जिथे हर महीने पैसे की बचत होंगी है उत्थे ही इस गैस नाल कोई नुकसान भी नहीं होंगे। 25 साल हो गए होने लगे तो ठीक चलता वा अं फुलके भी पकाने दाल सब्जी बनाने चाह पानी भी बनाने तो थोड़ा जि सर्दियों के थोड़ा फर्क पैंता तो पर ठीक ही चलता फिर थोड़ा फिर ठंड का फर्क पै जाता गर्मियों फिर ज्यादा गर्मी कोई गल नहीं नहीं ना यार कोई डर ना यदा कोई खतरा ना बेशक हाथ लाओ जो मर्जी नाल ही न्याणे खिंचन बच्चे खिंचन कोई नहीं 25 साल होने में लगे साढ़े तो वधिया चलना। लिविंग इंडिया न्यूज़ के लिए गुरदासपुर तो भोपाल सिंह की रिपोर्ट।